हम हैं नॉर्थ मुंबई में और हमारे साथ नॉर्थ मुंबई के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के कैंडिडेट श्री पीयूष गोयल जी, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जॉइंस मी। पीयूष गोयल जी, स्वागत है आपका। और आज ये पब्लिक मंच भी है हमारा, और इस पब्लिक मंच में आप जिसको कहते हैं ना, आपने छलांग लगा दी है इन द रफ एंड टम्बल ऑफ इलेक्शंस। पहली बार लोकसभा इलेक्शन चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी, चलो माहौल कैसा लग रहा है? इतना मजा आ रहा है। चलो, मैं जितना धन्यवाद करूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उतना कम पड़ेगा। इतने वर्षों से, अब लगभग 40 वर्ष हो गए, दूसरों का चुनाव लड़ा, बैकरूम बॉय बने, कभी इलेक्शन मैनेजर बने। आपको याद है कि नहीं, मैं अडवाणी जी तक का चुनाव संभाला था 1989 उनका पहला चुनाव, लाइफ का पहला चुनाव, और लगभग मेरी उम्र के ही थे जब उन्होंने पहला लाइफ का चुनाव लड़ा। मुझे उठा के लेके गए बॉम्बे मुंबई से कि तुम्हें मेरे यहाँ पे रहना है, मेरे उनके घर पे रहा और पूरा चुनाव संभाला था। तो बहुत सारे अनुभव थे, लेकिन मुझे लगता है उम्मीदवार होने का जो स्वाद है, जो एक नया ही मन को प्रभावित करने वाला अनुभव है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है, आपका दूसरों के प्रति देखने का और स्वभाव रखने का तरीका बदल जाता है। आई एम एब्सोल्युटली एक्साइटेड। लेकिन राज्यसभा में इतने साल लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में, और अब लोकसभा में, ग्रामर अलग होता है ना दोनों रोल्स का, राज्यसभा का और लोकसभा का, और जिस तरह से ये वोट मांगने की एक प्रक्रिया है, क्या फर्क महसूस होता है? मुझे लगता है मेरे लिए कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जिंदगी भर यही किया। कार्यकर्ता के रूप में जब शुरू किया तब डोर टू डोर कैंपेनिंग करना, पोस्टर लगाने जाना, रात को बैनर्स पेड़ों पे लगाना, खुद तो नहीं चढ़ता था, सुपरवाइज करता था। लेकिन ये पूरा जो अनुभव रहा, ये अपने आप में एक कुछ मात्रा में अलग रहा, क्योंकि दूसरे के लिए करना और जब स्वयं के लिए दूसरों से करवाना, जो एक कैंडिडेट की एंग्जाइटी होती है ना, इमोशनल हो जाता है कैंडिडेट, हर चीज पे चिंता करता है, हर चीज की गहराई में जाता है। और कभी कभी जब हम इलेक्शन मैनेजर्स होते थे तो ये इरिटेट करता था। अब ध्यान में आ रहे पुराने अनुभव याद करते हुए कि शायद एज मैनेजर्स हम थोड़े ज्यादा ही टफ थे कैंडिडेट के ऊपर, और कैंडिडेट होना इतना भी आसान नहीं है। इससे पहले भी आपके पिताजी बीजेपी में थे, मंत्री थे, आपकी माता जी मुंबई से 3 बार असेंबली में आई हैं, आप हमेशा चुनाव के साथ रहे हैं मुंबई के अंदर। मैं आज से पूछना चाहती हूँ कि चुनाव के स्टाइल कितने बदल गए हैं, और जिस तरह से आज की पॉलिटिक्स है, क्या ज्यादा कॉन्फ्रेंटेशनल है? पहली बात तो चुनाव में बहुत ज्यादा मुझे बदलाव नहीं दिख रहा है, सिवाय के पुराने जमाने में चुनाव हमेशा नकारात्मक सोच से रहते। इस बार मुझे लगता है कि हम जब विकास की बात करते हैं, विकास से देश का क्या लाभ हुआ, सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव हुआ, जिस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है जब हम मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल की बात या विकसित भारत के दृढ़ संकल्प की बात करते हैं, मुझे लगता है अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। और ये सकारात्मक राजनीति भारत की राजनीति में एक नया पहलू। पर आपको लगता है सकारात्मक राजनीति है, क्योंकि आए दिन आप देखिए जिस तरह का डिस्कोर्स है दोनों तरफ से, कोई पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, कोई कह रहा है एक्सरे करा देंगे, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसमें से आपको एक भी विषय ऐसा नहीं मिलेगा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी ने शुरू किया। बीजेपी ने चुनाव शुरुआत से विकास के मुद्दे पे रखा,
हमारे 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पे रखा। आगे जो हम देश के सामने चित्र देखते हैं रखते हैं उस पर बनाए रखा। ऑफ कोर्स अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में या उनके सलाहकार या उनके नेता बार बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, अनाप शनाप बयान दें, डराने की कोशिश करें, तो उसका जवाब तो देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आपको लगता है कि कुछ पहल आपकी तरफ से भी हुई है कभी भी पोलराइज करने की? कभी भी नहीं। जब आप मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं? कभी भी नहीं कहिए। अगर कोई टेररिस्ट को सपोर्ट करता है या हमारे शहीद हेमंत करकरे के बलिदान को छोटा दिखाने की कोशिश करता है और उसको भी कहने की कोशिश करता है कि ये कोई आरएसएस से संबंधित लोगों ने शहीद को मारा, तो स्वाभाविक रूप से ये दर्शाता है कि आतंकवादी और घुसपैठियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उनकी भाषा बोल रही है। लेकिन पोलराइजेशन तो इस चुनाव में है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों के लिए आरक्षण नहीं होगा और ओबीसी के लिए, नाविका जी, प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत कहा? अगर कांग्रेस के नेता कहें कि हम आने के बाद ओबीसी एससी एसटी की रिजर्वेशन कम करके हम माइनॉरिटीज को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना पड़ेगा और देश को एक आश्वासन देना ही पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कभी इसको होने नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस लाख कोशिश कर ले। रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान अलाउ ही नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे वर्डिक्ट्स हैं, ये सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे है और इसमें रिलीजन बेसिस पे तो देना असंभव है। एंटी मुस्लिम का टैग लगता है आपकी पार्टी पर, क्या जवाब देंगे उनको जो कहते हैं कि आप एंटी मुस्लिम सोच रखते हैं? मैं जहां भी जा रहा हूं, मुझे तो हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग बहुत ही अच्छा स्वागत भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए भी आशीर्वाद भेज रहे हैं और उनके ध्यान में आ रहा है कि ये जो वर्षों से उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है, वर्षों से जो उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, उनका विकास तो किया नहीं गया लेकिन उनको डरा धमका के हर बार वोट जो लेने की कोशिश होती है, आजकल वो थोड़ा चौकन्ने हो रहे हैं, इससे डर रहे हैं और विशेषकर महिलाएं और युवा, वो तो शत प्रतिशत दर्शा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ है। केम छो? थैंक यू सर, तमे आवा घणो सारू लाग्यो। शू चाले छे? बस ठीक सर। हूँ गंगारती लेउ छु दादर मां अने ब्रिज कैंडी मां। अच्छा, क्या बोल छो? अरे वेलकम। बचपन थी लेउ छु ने आवे तो मारी एक बीजो। सारू चाले छे काम? एकदम ठीक सर। चलो, शू चाले छे माहौल, शू छे चुनाव नो? तमने खबर छे एमो बोलवा ने जरूरत ने? बोलो ने शू छे? नहीं, 400 पार। आप बीजेपी के वर्कर तो नहीं है कहीं? बट सपोर्टर तो है ना। अरे तो 400 पार आपको लग रहा है माहौल है? 100% है मैडम, 100% है। उत्तर मुंबई ने सवाल है? उत्तर मुंबई नहीं, आप हमारे समर्थ है कि यहाँ आप लोग से आपके सपोर्ट पूरा मल से आपने पूरा मल से पूरा सपोर्ट मल से। चलो आओ जो। थैंक यू। दोन स्पेशल थाली घेत आणि ही एक प्लेट आणि मिर्ची कम मिर्च। मिर्च शब्दों में होनी चाहिए खाने में नहीं, यही बताना आप चाह रहे हैं। और ये खास करके कम मिर्च आप राहुल गांधी को सर्व करना चाहते हैं या सिर्फ चुनाव में मिर्च कम रखना चाहते हैं? ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमें सिखाया है वो काम करना, अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाना,
जो भी काम करें उसमें दो प्रमुख उनका राय रहती है, एक तो भेदभाव नहीं करना और दूसरा जिम्मेदारी से करना है, ऐसा नहीं हो, और उसकी नियंत्रण मॉनिटरिंग भी अच्छी हो, ऐसा नहीं हो कि तुमने शुरू किया और फिर आधा अधूरा छोड़ दिया। तो चुनाव है तो हम चुनाव में पूरी तरीके से लड़ें, फिर उसमें मिर्च मसाला लगे या नमक लगे, जो भी लगे, अगर कोई हमारे ऊपर टिप्पा टिप्पणी करे और गलत आरोप लगाए तो उसको हम कैजुअली नहीं लेते, उसको सीरियसली चुनाव के दृष्टिकोण से लेते। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहला फेज चुनाव का 19 अप्रैल से शुरू हुआ, उस वक्त लोग कह रहे थे कि कोई नैरेटिव नहीं है, किसी एक मुद्दे पर ये चुनाव टिका हुआ नहीं है, उस वक्त जो बात हुई 400 पार होगा या इंडिया गठबंधन होगा, फिर वहां से दूसरा फेज आया और सबने कहना शुरू किया बीजेपी में, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाया और कहा ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, और वहां से पोलराइजेशन शुरू हुई। लोग कह रहे हैं पहले पोलराइजेशन मैनिफेस्टो से शुरू हुई, फिर मुस्लिम रिजर्वेशन पर बात आई और उसके बाद सीधा राहुल गांधी, इनहेरिटेंस टैक्स और ये सब बातें शुरू हुई। लोग कह रहे हैं कहीं डेस्परेशन है बीजेपी। लोग मतलब कौन, आपने लोगों को यहाँ भी पूछा? विपक्ष स्पष्ट करिए ना, लोग क्यों कर देते हो, विपक्ष अगर लोग को रिप्रेजेंट कर रही होती तो सरकार में होती। विपक्ष का एक इकोसिस्टम है, उसमें लोग हैं। वो लोग स्पष्टीकरण होनी चाहिए कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं। नाविका जी ऐसा है कि हमारा कल भी पक्का देखना था कि 400 से अधिक सीटें एनडीए की आ रही है, आज भी है और 4 जून को हम आपको सिद्ध करेंगे कि 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री की झोली में आने वाली है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये जनता कर रही है और जनता ने मन बना लिया। आज स्थिति ऐसी है कि अगर पहले चरण के बाद उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला या उसके एक दो दिन पहले निकाला तो स्वाभाविक रूप से उसको पढ़ के उसमें जो आलोचना करने लायक था उसको आलोचना करना ही था। अगर उनके निजी सलाहकार कहें कि 55% इनहेरिटेंस टैक्स यूएस की तरह भारत के मिडिल क्लास में सभी के ऊपर लगना चाहिए, और उसी को जब हम 4 कड़ियों के साथ जोड़ते हैं तो ध्यान आता है कि कितना बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस का है। मनमोहन सिंह जी बार बार कहा करते थे कि सरकार के पैसे का या टैक्स के पैसे का पहला अधिकार मुसलमानों के लिए होना चाहिए, एक कड़ी। दूसरी कड़ी राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जितनी जनसंख्या उतना अधिकार, यानी वो किसी ना किसी तरीके से कह रहे हैं कि मुसलमानों को तरफ भी पैसा जाना चाहिए क्योंकि उनकी जनसंख्या तो जाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, सबके पास बिना भेदभाव, मैंने आपको क्या कहा, हमें दो ही चीज सिखाई जाते हैं, बिना भेदभाव। कभी प्रधानमंत्री ये नहीं बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को तुम जो अनाज बांट रहे हो उसमें मुसलमानों को ना मिले, सबको मिलता है, जो डिजर्विंग है, जो बैकवर्ड है, जो गरीब है या निम्न मध्यम है, और वो हम नहीं चुनते हैं, वो पंचायत लेवल पे डेटा के आधार पे तय होता है, केंद्र सरकार नहीं कहती। जरा सा मुसलमानों का नाम आता है तो बीजेपी में एक सनसनी सी फैल जाती है, क्योंकि इनकी जो सोच है कि किसी ना किसी तरीके से सारे देश के मध्यम वर्ग और सबकी संपत्ति का पहले आकलन किया जाए, उसमें 55% इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए, उस पैसे का पहला अधिकार एक विशेष समुदाय को है, अमीर हो गरीब हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जब कड़ियां जोड़ते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, सच्चर कमेटी को भेज के एक एक मुख्यमंत्री से पूछा जाता था कि आपने मुसलमानों के लिए विशेष क्या किया, तो भाई कि अलग विशेष क्यों, सबके लिए सामान्य होना चाहिए। हमको ही प्रमोद तिवारी जो मेरे राज्यसभा के कांग्रेस के उपनेता है, माने प्रमोद तिवारी जी ने जिस प्रकार से टेलीविजन इंटरव्यू में डिमांड किया जब राहुल गांधी जी को सजा हुई कि अभी भारत में गांधी परिवार के लिए अलग कानून हो, अब हम तो हक्के बक्के रह गए। इस प्रकार से जिस पार्टी की सोच हो कि परिवार के लिए भी अलग कानून और एक विशेष समुदाय के लिए अलग फैसले और अलग लाभ, ये कदापि ये देश
स्वीकार नहीं। पीयूष जी, आप इंडस्ट्रीज और कॉमर्स मिनिस्टर भी है, मतलब देश में किस तरह के कारोबारी लोग चल रहे हैं वो भी आप देखते हैं। प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आया जिसने एक सनसनी सी फैला दी। उन्होंने कहा अडानी अंबानी टेम्पो में भर भर के काला धन कांग्रेस को दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ इस स्टेटमेंट के पीछे का लॉजिक क्या है? मैं उत्तर मुंबई में लग रहा हूँ चुनाव में, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसकी तो आपको प्रधानमंत्री जी से पूछा था, लेकिन स्पष्ट दिख रहा था कि कुछ तो बदला है, कुछ तो दाल में काला है कि सडनली राहुल गांधी जी ने दिन रात जो जाप प्रभा रचा करते थे, जताया करते थे, उसमें उनके बदलाव। लेकिन अगर टेम्पो में भरकर काला धन बोरियों में जा रहा है तो कहीं ना कहीं पकड़ना तो आप ही का काम है, सरकार तो अभी भी आप ही की चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है सरकार और का तो काम नहीं है, सरकार की एजेंसी जो ये काम देखती है वो निगरानी रखेंगे। लेकिन ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट था कि ये अडानी अंबानी सिर्फ बीजेपी के साथ एसोसिएट ना हो तो अब कांग्रेस के साथ एसोसिएट कर दिए। मुझे लगता है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, ये एक सरकार है जिसने कभी कोई विशेष अधिकार किसी के लिए नहीं है, कोई प्रकार से हमने किसी को अलग लाभ मिले और सामान्य आदमी के लिए अलग हो, ये कभी हमारी सरकार ने किया नहीं है। ऐसा एक भी उदाहरण आपको मिलेगा नहीं, ये मैं आपके दावे से कह सकता हूँ। तो अगर आपकी सरकार पर ये आलोचना भी होती है और ये आरोप भी लगता है कि आपकी सरकार वॉशिंग मशीन वाली सरकार है, जो आता है धुल जाता है, और अब महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, आरोप लगाना है और इसको पूरा अधिकार है आरोप लगाने का, पर मैं मानता हूँ कि कानून अपने जगह काम करती है और किसी के लिए भी किसी प्रकार का कोई विशेष छूट या सुविधा देना इस सरकार के नीति है। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बेल दी है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नेगेटिव है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आगे चल के इसके रिपरकशन क्या होंगे सुप्रीम कोर्ट को चिंता करनी नहीं, पर ये थोड़ा बीजेपी को बैकफुट पे डालता है। मैं नहीं मानता, हमारे को इससे क्या लेना, बाहर निकल के केजरीवाल जी कुछ अच्छा तो बोल नहीं रहे आपके बारे में। केजरीवाल जी जो भी कहें, आज जनता का विश्वास जिसके साथ वो तय करेगा। पीयूष जी, महाराष्ट्र की बात करते हैं, आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हैं, 2004 में यहां से गोविंदा थे, 2009 में यहां से संजय निरुपम थे, और गोविंदा कांग्रेस से लड़े थे, आज दोनों आपकी अलायंस पार्टीज के साथ हैं। ये जो आप जगह जगह से लोग उठा उठा के अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि सब हर आदमी बीजेपी से ही होगा। इतना जी किसको ले, हम क्या दखल अंदाजी कर, परिवार तो बीजेपी का, 140 करोड़ लोग मोदी जी का परिवार, राहुल गांधी तो मानते ही सबका साथ सबका विकास करते हैं। तो किस किस का विकास कर रहे हैं, अजीत पवार जी का और उनके वो जो चक्की पीसिंग वाला आपको याद होगा, 140 करोड़ लोगों का विकास कर, आपका भी विकास हुआ। अजीत पवार 140 करोड़ भारतवासियों में जो है सबका विकास हुआ, राहुल गांधी और केजरीवाल सब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं है, हमारे सोच में तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी विकास से जुड़ रहे, उनको भी लाभ मिलता है। मैं महाराष्ट्र की ही बात करूं, लोग कह रहे हैं कि सिंपथी वेव उद्धव ठाकरे के साथ, मैं भी चुनाव में घूम रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा फील नहीं है, और 48 में से 41 सीट थी एनडीए की, 42 आएंगे इस बार, 42 सीट पे हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जब उद्धव ठाकरे गद्दार बुलाते हैं, महाराष्ट्र के लोग बड़े समझदार हैं, भली भांति जानते हैं
तो उद्धव ठाकरे जी ने चुनाव तो लड़ा था मोदी जी के साथ, अधिकांश सीटें भी जीते इसलिए क्योंकि मोदी जी की फोटो लगा लगा के शिवसेना के कैंडिडेट लड़ रहे थे। तो उसके बाद जो उन्होंने मोदी जी और फडणवीस जी को धोखा दिया, मैं समझता हूँ ये तो सभी लोग समझते हैं। लेकिन जब उन्हें बुलाया जाता बीजेपी द्वारा कि वो असली बेटे नहीं है बाला साहब ठाकरे के, बाला साहेब ठाकरे कुछ सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं, वो सभी सिद्धांतों का उद्धव ठाकरे जी ने बलि कर दिया, बलि पे चढ़ा दिया। बाला साहेब ठाकरे को कितना दर्द हो रहा होगा आज देखते कि जिस पार्टी में उन्होंने ये कहा था मैं पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिला, वो आज राहुल गांधी की गोद में जाकर उनका लड़का बन गया। बट आई सिंसियरली वांट टू आस्क यू, जब आप तमाम बाकी आप क्वेश्चन सिंसियरली नहीं पूछ रहे थे क्या? बाकी भी पूछ रही थी पर ये पूछ रही हूँ, आप ट्रू ब्लू बीजेपी हैं क्योंकि आपके फैमिली से काफी देर से बीजेपी में सब लोग रहे हैं। जब आप दूसरी पार्टियों से लेते हैं खास करके कांग्रेस से लोग अपने पार्टी में लेते हैं तो फिर पार्टी में तो डिफरेंस कैसे रह जाती है? सिंस आपने दो बार प्रश्न उठाया अबाउट माय फैमिली, एक मैं जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा जिससे आपके व्यूअर्स को गलत कहने ना हो, तो सबसे बड़ा डिफरेंस हमारी पार्टी में ये है कि हम मेरिट से गए, आपके सरनेम के हिसाब से आपको नहीं पद मिलता है, तो पद आरक्षित नहीं है किसी, मेरा स्वयं का केस देखेंगे। 2004 में मेरी मदर रिटायर हो गई पॉलिटिक्स से, 3 बार एमएलए रहने के बाद वो लड़ी नहीं, उसने अब मैं 65 की हो गई, नानाजी देशमुख ने हमें बताया था मैं रिटायर होना था, वो तभी रिटायर हो, वो समय के हिसाब से उनकी सोच थी एंड शी वॉज आउट ऑफ पॉलिटिक्स। माई फादर वॉज इन द राज्यसभा, उनकी राज्यसभा की टर्म 2008 में खत्म और उनका देहांत भी 2008, तब तक मैं मुंबई में भी कोई पद छोटा मोटा रखता था कि नहीं मुझे याद, काम हर चुनाव में करता था, पद कोई नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये पार्टी में आप अपने मेरिट पे अपने हिस्सेदारी अपना आगे का करियर पाथ बना सकते। मैं 2010 में दिल्ली में आया आफ्टर माय फादर हैड पास्ड अवे, वो सीनियर लीडर, मदर वॉज आउट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर 6 ईयर, तब तक मैंने लगभग 26 साल काम कर लिया था पार्टी में। उसके बाद जाके मुझे मौका मिला कि मैं दिल्ली आऊं और पार्लियामेंट में आऊं, तो यहाँ मेरिट प्रिवेल्स और यही इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता। तो आप कह रहे हैं कि जब परिवारवाद की बात होती है और कांग्रेस वाले बीजेपी पर भी यही आरोप लगाते हैं तो आप कह रहे हैं यहाँ का फॉर्मूला अलग? फॉर्मूला नहीं, यहाँ मेरिट प्रिवेल, इसमें कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सिद्धांत की बात, और वही पार्टी विद डिफरेंस का एक बहुत बड़ा पहलू है। चलिए ये डिफरेंस तो समझ में आ गया, इससे ऑटोमेटिकली कोई नए लोग आए पार्टी का विस्तार बने, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमें इंक्लूसिव होना पड़ेगा, हम ये नहीं कह सकते कि भाई बड़े समाज को हम बाहर रख के एक बार छोटे से ग्रुप में ही पार्टी चलाए। नहीं पर ये समझ में आता है, लेकिन आप कांग्रेस से उठा लेते हैं एनसीपी को मर्ज कर लेते हैं, ये आपको क्या लगता है दे आर कमोडिटीज क्या क्या उठा लेते हैं? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मुझे मेरे फादर ने एक बार कहा था कुछ, ये तभी स्टेटमेंट किसी ने दिया अबाउट हॉर्स ट्रेडिंग और माई फादर टुक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन,
ये व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्स ट्रेनिंग? ये कोई माननीय सांसद हॉर्सेज हैं क्या, या माननीय एमएलए हॉर्सेज हैं क्या? आप क्या बात कर रहे हो हॉर्स ट्रेनिंग? ये मैं बात कर रहा हूँ 30 साल 25 साल पहले। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज के हम किसी को कोई फोर्स करते हैं, एनकरेज करते हैं, ऐसा नहीं। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे विचारधारा के साथ, देश की सेवा के प्रवाह में जुड़ना चाहते, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, और अगर बैलेंस में लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, आगे भी करेगा, तो हम उनको लेते हैं। आपको गाली दे रहा हो आज, भाई मन बदल गया? अगर इतना बड़ा उदार दिल तो सभी का रहता है, प्रभु श्री राम का भी था उदार दिल था, प्रभु श्री राम का, कृष्ण भगवान का भी उदार दिल था, शिव जी भी बड़े उदार दिल के थे। उदार दिल तो मैं समझता हूँ, आपका दिल उदार होता है यहाँ शिव जी की तीसरी आंख खुल जाती है एजेंसीज द्वारा जो आप वार कर देते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एजेंसीज अपना आदित्य ठाकरे को कौन सीरियसली लेता है? नहीं लेते आप? तो उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उनके गोडाउन से पैसे मिले थे, और या उनको जेल जाना था या बीजेपी के साथ अलायंस करना था। वो तो उन्हीं की सरकार के सदस्य थे, जो एक प्रकार से आदित्य ठाकरे जी पहले खुलासा करें कि वो अपनी सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं। उनकी सरकार ऐसे चलती थी क्या? वही थे ना मंत्री भी थे शायद, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, अलग बात है कभी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस नहीं गए, 2.5 साल घर ही बैठे रहे 2.5 साल। एक इमेजिन एक स्टेट की क्या हालत होती है, मुंबई महाराष्ट्र तो ठप था, सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सब विकास बनता है, क्योंकि वो घर बैठे थे। बाकी शायद यही काम कर रहे होंगे जिसका भी खुलासा स्वयं उनका लड़का कर रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, देश में राम लहर है कि नहीं? आपको लगता है जब आप लोगों से मिलते हैं कि राम का प्रभाव है जो चुनाव में, जब चुनाव में मुझे लगता है लोगों को ध्यान में है कि किसने कश्मकश करके ये 500 साल की लड़ाई को अंतिम लगाम दिया, और भारत में एक प्रभु श्री राम को अपने वनवास के बाद अपने घर बुलाया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, इज्जत दिलाई, और 140 करोड़ देशवासियों की आस्था और अस्मिता को सम्मान मिला, और भी किसने भारत में राम राज्य लाने का काम शुरू किया, ये दोनों बात लोगों के जहन में है। आप और मोदी जी इन दोनों बातों से सीधा जुड़ते हैं। कांग्रेस की स्थिति मुझे तो दिख रहा है कि वो पिछली बार से भी कम सीटों पर रह जाए। और राहुल गांधी को आज कोई मैसेज देना चाहेंगे? कम से कम रिजल्ट तक वो भारत में रहे, ऐसा ना हो जाए कि 1 तारीख के बाद भागे जाए देश। तो 4 तारीख को राहुल गांधी को क्या कहेंगे आप? आई विल कन्वे माय सिंपथीज के रॉकेट फिर एक बार लॉन्च होने पे खुश हो गया, लॉन्च नहीं हो पाया। तो जब आप ऐसा कहते हैं कुछ लोग पूछेंगे आपको पता है ईवीएम में क्या है? 12-15 लाख ईवीएम देश भर में बिना कोई इंटरकनेक्शन के, और उन्हीं ईवीएम से कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बनी, आम आदमी की दिल्ली में बनी, तेलंगाना में कांग्रेस की बनी, पिनराई विजयन की केरल में बनी। ये अलग बात है कि केरल में दोनों इंडिया अलायंस के पक्ष एक दूसरे के साथ घोर लड़ाई में हैं। अब ऐसे में ईवीएम कौन डाउट कर रहा है वो लोग आपस में तय कर ले। तो इतना बेबुनियाद और इतना फैसाइल आर्ग्यूमेंट है, इतना ओछा आर्ग्यूमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट तक में कह दिया कि इसके ऊपर तो कॉस्ट लगाना पड़ेगा अगर कोई और आया तो। पीयूष जी, दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है हमारे इलेक्शन प्रोसेस, कांग्रेस का तो बार बार हमारे सब इंस्टीट्यूशंस को डिग्रेड करने का एजेंडा ही रहता है। पीयूष जी, चुनाव की पूरी तरह से सरगर्मी सर पर है, आपके चुनाव 20 तारीख को है, अपनी बार क्या 400 पार पक्का 4 जून को हम सेलिब्रेट करेंगे, उसमें भी आप भी आना जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, इस पूरी हलचल में आप हमारे साथ मिले, खाना खाया, और
लोगों को एक पब्लिक मंच मिली? आपने सारे सवालों देखो, हमने तो हमारा महाराष्ट्र गाना कितना एंजॉय किया, ये देखिए। मैं काम पर थी। आप काम कर रहे? मैं काम पर थी। और तो अगली बार आप गाना, हम काम, आप काम करना। हाँ, जब लोग आपको अगर चुन कर देख रहे हैं तो फिर काम का दौर फिर से शुरू होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की उम्मीदों पर आप खरे उतरे, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच पीयूष गोयल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम इन द मिडल ऑफ दिस वेरी क्रूशियल कैंपेन टाइम। थैंक यू। एंड वाया मुंबई, लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू इन दिल्ली। Thank you. Thank you very much.